हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अपॉइंटमेंट्स। जनवरी से लेके सितंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो सारी इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द परमानेंट सीईओ ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस? सीईओ ऑफ पेंगुइन रैंडम हाउस कौन बने हैं? नेहार मालवीय बने हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम इंडस्ट्री बॉडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं धनंजय जोशी। धनंजय जोशी सीएमडी एंड सीईओ है समिट डिजिटल के। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन फॉर 2023 एंड 2024? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं श्रीनिवासन के स्वामी। श्रीनिवासन के स्वामी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है आर के स्वामी हंस ग्रुप की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं राहुल नवीन। एस एस दुबे, और एक अपॉइंटमेंट हुई है एस एस दुबे जो है उन्होंने कंट्रोलर सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अपॉइंट किया गया है और ये 28th नंबर के होंगे। न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ साउथ इंडियन बैंक कौन बने हैं? पी आर शेषाद्री। कुछ एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं तो वो देख लेते हैं। एमडी ऑफ यूको बैंक कौन बने हैं? अश्विनी कुमार। कर्नाटका बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं श्री कृष्णन हरी शर्मा। डेप्यूटी एमडी ऑफ आईडीबीआई बैंक बने हैं जय कुमार पिल्ले। एमडी ऑफ पूमा इंडिया कौन बने हैं? कार्तिक बाला गोपालन। एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड बने हैं राजीव धर। एमडी ऑफ बड़ौदा बैंक कौन बने हैं? देवदत्त चंद। सीईओ ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसके सीईओ बने हैं हरिहर कृष्ण मिश्रा। डेप्यूटी एमडी ऑफ एचडीएफसी बैंक बने हैं कैजाद बारूचा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी एंड सीईओ बने हैं रणधीर ठाकुर। एक्सिस सिक्योरिटी के बने हैं प्रणव हरिदासन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के बने हैं अनूप बागची। सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बने हैं के कीर्तिवासन। टेक महिंद्रा के बने हैं मोहित जोशी एंड नीति आयोग के सीईओ बने हैं बी वी आर सुब्रमण्यम। कुछ और एमडी एंड सीईओ बने हैं तो वो देख लेते हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बने हैं अमित झिंगरान। टाटा स्टील के बने हैं टीवी नरेंद्रन। सीईओ ऑफ नोएडा अथॉरिटी के बने हैं लोकेश एम। सीईओ ऑफ जैगुआर लैंड रोवर के बने हैं एड्रियन मार्डल। इन्वेस्ट इंडिया के बने हैं निवृत्ति राय। सी एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज के बने हैं अभिजीत चक्रवर्ती। सीईओ ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के बने हैं कृष्णन मिश्रा। लॉयड्स बैंक बैंकिंग ग्रुप टेक्नोलॉजी सेंटर इन इंडिया के एमडी एंड सीईओ बने हैं शिरीषा वोरुगंती। हिंदुस्तान यूनिलीवर के बने हैं रोहित जावा। एंड डीबीएस बैंक के एमडी बने हैं रजत वर्मा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के एमडी बने हैं कमल किशोर छटिवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ मास्टर कार्ड? मास्टर कार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? रजनीश कुमार। और एक और अपॉइंटमेंट हुई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं? रवनीत कौर। नैसकॉम के वाइस चेयरमैन कौन बनी है? वो बनी है सिंधु गंगाधरन। और देख लेते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, इसका फुल फॉर्म है, उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? वाइस चेयरमैन तो हमें पता है सिंधु गंगाधरन, और चेयरपर्सन बने हैं राजेश नाम्बियार। और एसोचैम है एसोसिएट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय सिंह। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं? वो बने हैं राजीव रघुवंशी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन में सेक्रेटरी कौन बने हैं? वो बने हैं नीरज मित्तल। और मिनिस्ट्रीज में दूसरी सेक्रेटरीज भी बनी हैं तो वो देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बने हैं एस कृष्णन। पंचायती राज में बने हैं वी एल कांता राव। पार्लियामेंट्री अफेयर्स बने हैं उमंग नरूला। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, उसके सेक्रेटरी बने हैं अरुणीश चावला।
मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन उसके सेक्रेटरी बने हैं चंचल कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बने हैं वुमलुंग मांग वालना। कुछ और रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं तो वो भी देखते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में ने लोकेश सूजी को डायरेक्टर बनाया है स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और वाइस प्रेसिडेंट बनाया है एशियन स्पोर्ट्स फेडरेशन का 3 साल के लिए। श्याम सुंदर गुप्ता को सेंट्रल रेलवे प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर बनाया गया है। उदय कोटक ने कोटक महिंद्रा के पद से रिजाइन कर दिया, कोटक महिंद्रा में MD & CEO के पद से रिजाइन कर दिया। तो नए कौन बने हैं उसमें? नए बने हैं दीपक गुप्ता जो इंटरिम इंटरवल के लिए बने गए हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल ने उमेश रेवानकर को चेयरमैन बनाया है। SBI ने 4 डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, वो हैं केतन शिवजी विकाम सिंह, मृगंक मधुकर परांजपे, राजेश कुमार दुबे एंड धर्मेंद्र सिंह शेखावत। ये चारों को SBI ने डायरेक्टर बनाया है। और नीलकंठ मिश्रा पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं UIDAI के। वाईकॉम 18 ने किरण मानी को CEO बनाया है उनके डिजिटल बिजनेस का। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चीफ है अदिल सुमारी वाला, उन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया गया है। अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने कमलेश वार्ष्णेय एंड अमरजीत सिंह को सेबी का होल टाइम मेंबर बनाया गया है। हु हैज टेकन चार्ज ऑफ द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल एट आकाशवाणी? कौन बनी है? वासुदा गुप्ता। मनीष देसाई को प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है उसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो वो बने हैं आर माधवन। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन टू हेड रेलवे बोर्ड, ये पहली बार हिस्ट्री में, रेलवे की हिस्ट्री में पहली वुमेन बनी है जो कि चेयरपर्सन बनी है रेलवे बोर्ड की, तो वो बनी है जया वर्मा सिन्हा। इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल ऑफ सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के मेंबर कौन बने हैं? तो वो बने हैं NV रमना। ओडिशा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन बने हैं? अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, वो बने हैं सुभाशीष तलापात्रा। कुछ और स्टेट्स के भी चीफ जस्टिस बने हैं वो देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के कौन बने हैं? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। आंध्र प्रदेश के बने हैं धीरज सिंह। केरला के आशीष जितेंद्र देसाई। तेलंगाना के बने हैं आलोक आराधे। सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं KV विश्वनाथन एंड प्रशांत मिश्रा। तो कैलकाटा के बने हैं TS शिवागनम। त्रिपुरा के बने हैं अपारिश कुमार सिंह। गुजरात के बने हैं सुनीता अग्रवाल। गुवाहाटी के बने हैं संदीप मेहता। और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के हाई कोर्ट के बने हैं कोटेश्वर सिंह। हु बिकम इंडिया फर्स्ट वुमेन चार्ज डे अफेयर इन पाकिस्तान, ये पहली वुमेन बनी है चार्ज डे अफेयर पाकिस्तान में, तो वो बनी है गीतिका श्रीवास्तव। अरुण सुब्रमण्यम जो है वो पहले इंडियन अमेरिकन जज होंगे न्यूयॉर्क कोर्ट के। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन कौन बने हैं? वो बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव। कुछ और चेयरपर्सन बने हैं वो भी देख लेते हैं। संजय कुमार अग्रवाल, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के चेयरपर्सन बने हैं। आर शेषाई, ये बने हैं एशियन पेंट्स के चेयरपर्सन। एस विंसेंट राजकुमार इंटरनेशनल मेलोमा फाउंडेशन के चेयरपर्सन बने हैं। बी नीरजा प्रभाकर, ये रिसर्च एडवाइजरी कमिटी की चेयरपर्सन बनी है जो फॉर दी किसके लिए? ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च की है। के राजा रमन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के चेयरपर्सन बने हैं। अजीत अगरकर सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन बने हैं। गोपीचंद हिंदुजा हिंदुजा ग्रुप के चेयरपर्सन बने हैं। वी अनंत रमन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बने हैं ट्रांस यूनियन सिबल के। निर्मला लक्ष्मण, ये हिंदुजा ग्रुप के चेयरपर्सन बने हैं। हर्ष जैन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने हैं। AK जैन चेयरपर्सन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरपर्सन बने हैं। मनोज सोनी UPSC के चेयरपर्सन बने हैं। रथेंद्र रमन कोलकाता पोर्ट के चेयरमैन बने हैं। AK मोहंती एटमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बने हैं।
हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस, तो ये कौन बनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी परमिंदर चोपड़ा। कुछ और सीएमडी बने हैं वो भी देखते हैं। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बने हैं शिवेंद्र नाथ, आईडीसी बोर्ड के बने हैं संजीव पुरी, कोल इंडिया लिमिटेड के पीएम प्रसाद, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो के एन रामास्वामी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बने हैं एम राजेश्वरी सिंह, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बने हैं संजय स्वरूप, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अमरेंदु प्रकाश, लार्सन एंड टुब्रो के बने हैं एस एन सुब्रमण्यम, बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं सीएमडी रजनीश कर्नाटक, बीईएमएल लिमिटेड ये एक मिनी रत्न कंपनी है, इसके बने हैं शांतनु रॉय, भारत डायनामिक्स के बने हैं ए माधव राव। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके एमडी कौन बने हैं आर दुराई स्वामी। कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं वो देखते हैं। एमडी ऑफ एलआईसी और कौन बने हैं, सतपाल भानु, दो बने हैं ठीक है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं, वो बने हैं प्रोफेसर गणेशन कना बिरन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, वो बने हैं राकेश पाल। और कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जैसे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं मनोज मनोज यादव, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, क्यू डोंगयू, जो चाइना के हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, कौन बने हैं इसके प्रेसिडेंट, नीरज अखुरे और पार्थ जिंदल, जो कि एमडी हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के, वो सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। टेस्ला ने उनके सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे बनाया है, वैभव तनेजा को। एफबीआई फील्ड ऑफिस इन सॉल्ट लेक, एफबीआई का फील्ड ऑफिस है सॉल्ट लेक सिटी में, तो उसकी हेड कौन बनी है, सोहिनी सिन्हा। माइक्रोसॉफ्ट ने वाइस प्रेसिडेंट बनाया है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया के लिए, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, पुनीत चंदोक। यूएस सेनेट ने डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी डेप्यूटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे बनाया है, निशा बसवल। और एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड के चीफ कौन बने हैं, रजय कुमार सिन्हा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के मेंबर किसे बनाया गया है, प्रमोद राव को, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सेबी के। उज्जवल भुयन एंड एस वेंकट नारायण भट्टी ये जजेस बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया है। कुवैत के शेख तलल फहाद अल अहमद अल सबा, इन्हें न्यू प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का। रशियन की जो एनर्जी की जायंट कंपनी है रॉसनेफ, इनके मेंबर के ने नियुक्त किए हैं गोविंद कोटिस सतीश। टेक जायंट गूगल, इसने गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को टॉप गवर्नमेंट अफेयर्स एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट किया गया है इंडिया के लिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं पी वासुदेवन, और आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन, अभी इनका रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं, कामेश्वर राव कोड़ावंती। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, तुषार मेहता, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है। और कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। इंडियाज एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किन्हें बनाया गया है, ब्रजेंद्र नवनीत, और डायरेक्टर ऑफ यूएसए ईस्ट कोस्ट, इंडियन इकोनॉमिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डायरेक्टर बनाया है नूतन रुंगता को यूएसए ईस्ट कोस्ट का। आलोक कुमार को मेंबर बनाया गया है एडीबी की हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप का। इंडियन सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को आईटा के बोर्ड में गवर्नर के लिए नियुक्त किया गया है। अंशु माली रस्तोगी को इंटरनेशनल सिविल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काउंसिल में सेलेक्ट किया गया है। फोर्थ
फोक सिंगर है मैथिली ठाकुर, उसे स्टेट आइकन बनाया गया है बिहार का इलेक्शन कमीशन द्वारा। गीता राव गुप्ता को यूएसए एम्बेसडर एट लार्ज फॉर वुमेन्स इशू के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। बैडमिंटन एशिया ने चेयरमैन ऑफ टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी का चेयरमैन बनाया है उमर रशीद को। सुधा शिव कुमार क्या बनी है, 40th प्रेसिडेंट बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल डायरेक्टर इन दी सीबीआई। सीबीआई में स्पेशल डायरेक्टर कौन बने हैं, वो बने हैं अजय भटनागर। और सीबीआई में दूसरे अपॉइंटमेंट्स भी हुए थे, जैसे एडिशनल डायरेक्टर किसे बनाया था, अनुराग को एडिशनल डायरेक्टर इन सीबीआई ये, और एक और एडिशनल डायरेक्टर बनाए थे मनोज शशिधर को, और ज्वाइंट डायरेक्टर बने थे शरद अग्रवाल। कुछ और अपॉइंटमेंट्स हुई है वो देखते हैं। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के सीईओ बने हैं एडी वू। कैंटा सर्वेस के सीईओ बने हैं वेनिसा हडसन। वोडाफोन के सीईओ कौन बने हैं, मार्गरीटा डेला वेला। यूट्यूब के सीईओ बने हैं नील मोहन। एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक के सत्यनारायण राजू। जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल बैंक कौन बने हैं, नरेश ललवानी। डायरेक्टर जनरल इन द डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये कौन बने हैं, विक्रम देव दत्त। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं, अर्जन कुमार सीकरी। डायरेक्टर ऑफ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के डायरेक्टर बने हैं प्रवीण शर्मा। डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं, पंकज कुमार सिंह। एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, अजय कुमार श्रीवास्तव। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वुमेन्स वर्टिकल कौन बनी है, वो बनी है रूबी सिन्हा। और एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने नए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए हैं, तो कौन बने हैं, अनिकेत सुनील तलाटी, और वाइस प्रेसिडेंट बने हैं रंजीत कुमार अग्रवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन बने हैं, हसमुख आदिया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कौन बने हैं, रवि सिन्हा। हु हैज टेकन ओवर एज द एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन ये कौन बने हैं, ये बने हैं राकेश कुमार आनंद, सॉरी राजेश कुमार आनंद। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली के 78th सेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, डेनिस फ्रांसिस। और यूएन की 62nd सेशन की चेयरमैन कौन बनी है, रुचिरा कंबोज। कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स भी देख लेते हैं। सीनियर एडवाइजर ऑफ डेलॉइट के सीनियर एडवाइजर कौन बने हैं, मनोज कोहली। डायरेक्टर एट एनएचपीसी लिमिटेड इंडिया ये एक हाइड्रो पावर कंपनी है, इसके डायरेक्टर बने हैं उत्तम लाल। सीईओ ऑफ यूआईडीएआई कौन बने हैं, अमित अग्रवाल। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कौन बने हैं, सुबोध कुमार सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अतुल वर्मा बने हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन बने हैं, जनार्दन प्रसाद। एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं, अजय यादव। एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द WHO ये कौन बने हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि CAG हैं। प्रेसिडेंट ऑफ टेक वांडू इंडिया कौन बने हैं, नामदेव शिरगांवकर। प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ पीटीएम कौन बने हैं, भावेश गुप्ता। ट्विटर के सीईओ बने हैं लिंडा याकेरिनो। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ LIC रत्नाकर पटनायक। चेयरमैन ऑफ ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन बने हैं अंशुमन सिंघानिया। सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की कौन बने हैं, शैलेश पाठक। हु हैज बीन स्वॉन इन एज सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फॉर 2023 एंड 2024। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कौन बने हैं 2023 और 24 के लिए, आर दिनेश। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन जो एशिया के हैं, एशिया का जो इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वो बने हैं के गोविंद राज। हु हैज बिकम द हाईएस्ट रैंकिंग साउथ एशियन वुमन इन द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में हाईएस्ट रैंकिंग पे पहुंचने वाली पहली साउथ एशियन वुमन कौन बनी है, प्रतिमा भुल्लर मल्डोनाडो।
वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई। सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने हैं? वो बने हैं प्रवीण सूद। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अजय बांगा, ये इंडिया से हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एलआईसी। एलआईसी के चेयरमैन कौन बने हैं? वो बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। और दीपक मोहंती जो है वो चेयरमैन ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है। कंफ्यूज नहीं होना, पीएफआरडीए के हैं दीपक मोहंती और एलआईसी के हैं सिद्धार्थ मोहंती। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने हैं? संजय जसजीत सिंह और एम बी सुचिंद्रन कुमार, ये न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी है। नेवल का पूछेंगे तो संजय जसजीत सिंह है और आर्मी का पूछेंगे तो सुचेंद्र कुमार है। ग्रुप कैप्टन शालिजा धमी को सेलेक्ट किया गया है कमांड करने के लिए, जो फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट है वेस्टर्न सेक्टर का, उन्हें कमांड करने वाली ये पहली वुमेन बनी है। और एक बीच में अपॉइंटमेंट हुआ था शिवा चौहान, ये पहली वुमेन बनी थी जो कि पहली वुमेन बनी थी जो कि डिप्लॉय हुई थी वर्ल्ड हाईएस्ट बैटल फील्ड। कहाँ पे है वो? सियाचिन में है। पहली वुमेन ऑफिसर बनी है जो कि सियाचिन में उन्हें डिप्लॉय किया गया था। शांति कुमारी को अपॉइंट किया गया है फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है। और यूनाइटेड नेशन की सेक्रेटरी एंटोनियो ग्यूटेरस ने अपॉइंट किया है हालियो हॉलिंग जू, जो चाइना की है, जो चाइना से है, अंडर सेक्रेटरी जनरल एंड एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर। किसके बनाए गए? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बनाए गए। और डॉक्टर अब्दुल्ला अल मोंडोस, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। मैंने इस लेक्चर में सब कुछ कवर कर लिया है, जितना भी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स था सारे के सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो आप टेंशन फ्री रहना, जो भी एग्जाम में आएगा वो इससे रिलेटेड ही आएगा। इसी वीडियो में सब कुछ कवर कर लिया है, तो आप ये एक वीडियो देख लेना, आपके सारे आंसर्स कवर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।